हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी सीरीज ऑफ ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखी थी। इस लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं जो कि लास्ट लेक्चर पर बेस्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको अटेंड किया करिए अपने लेवल पर और देखा करिए कितना आपका रिविजन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम से रिलेटेड। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मौसम। सबसे पहला स्टेटमेंट आपके लिए दिया जा रहा है कि दिस इज एन इनिशिएटिव, दिस इज एन स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। दूसरा स्टेटमेंट है आपके लिए कि अंडर दिस स्कीम हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी करते हैं कोस्टल एरियाज के लिए। ये कोस्टल एरियाज के अंदर में जो भी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, साइक्लोन्स, ये सब आते हैं, उन सभी को एक अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया जाता है प्रोजेक्ट मौसम के अंदर में। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, बोथ या नन। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने इसका। इसका आंसर होगा नन, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। प्रोजेक्ट मौसम के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट मौसम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर में क्या होता है कि हम ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। मतलब कि जितने भी ऐसे इंडियन ओशियन में 39 कंट्रीज हैं, ये मानसून विंड से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते ही हैं। तो इसके बेसिस पर जो भी इनका हेरिटेज है उसके लिए, पुराने ज़माने में जब हम अपने कल्चर्स, अपने नॉलेज को शेयर करते थे, तो आज भी हम कैसे इन हेरिटेज को कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते हैं, इसके लिए प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मेक टू स्कीम। पहला स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है कि इट इज़ अ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अंडर डिफेंस सेक्टर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए है कि दिस स्कीम विल बी फंडेड बाई गवर्नमेंट और इस फंडिंग के बेसिस पर हम डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन और डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, बोथ या नन। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, वन ओनली होगा, क्योंकि ये तो सही है कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर के लिए है, लेकिन हमने पढ़ा था कि यहां पर कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दी जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। बल्कि हमने मेक वन स्कीम के अंदर में देखा था कि मेक वन स्कीम में 90% ऑफ द फंडिंग विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई गवर्नमेंट। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है आज का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। सबसे पहला, तीन स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि दिस इज ए स्पेशल इनिशिएटिव टू बूस्ट आईपीआर कल्चर इन डिफेंस सेक्टर। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस स्कीम के अंदर बहुत सारे स्कूली बच्चे जो हैं, वेरियस स्कूल स्टूडेंट्स, उनको क्या किया जाएगा, इंटरैक्टिव सेशंस दिया जाएगा अलग अलग वेरियस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। इस इंटरैक्टिव सेशन के अंदर में उनको इस बात का अवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, अवेयरनेस कैंपेनिंग चलेगी, जिसके बेसिस पर वो फ्यूचर में डिफेंस सेक्टर में आईपीआर कल्चर को प्रमोट कर पाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, दूसरा स्टेटमेंट मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि अंडर दिस स्कीम वेरियस स्कूल चिल्ड्रेन विल गेट इंटरैक्टिव सेशंस बाय द वेरियस इंस्टीट्यूट्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ आईपीआर कल्चर इन डिफेंस सेक्टर। तीसरा स्टेटमेंट है कि यहां पर DGQA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। आपके पास ऑप्शन है वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, या फिर ऑल। तो एक भी अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आप इसको, सेकेंड वाले को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमने पढ़ा नहीं था स्कूली बच्चों का नहीं, बल्कि इसमें क्या किया गया था, जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, उन लोग को ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के अंदर में। तो ये क्विक रिविजन हो गया हमारा लास्ट लेक्चर का, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी। आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसको समझने के लिए आप केवल इतना समझो कि मोर और लेस ये एक प्रकार का राइट बेस्ड अप्रोच है। यहां पर वेलफेयर स्कीम की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये राइट बेस्ड अप्रोच है जिसके बेसिस पर हमें अधिकार है कि हमें सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड ग्रेन्स मिले। अब किनको ऐसा अधिकार है, उसके लिए 75% ऑफ द रूरल एरियाज और 50% ऑफ द अर्बन एरियाज के पॉपुलेशन को कवर किया गया है। इस स्कीम के अंदर में हम लोग हर पर्सन को 5 kg पर पर्सन पर मंथ का फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट में देने की बात करते हैं। अब इस एक्ट के अंदर बहुत सारी स्कीम्स को सब्ज्यूम किया गया है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, और इसके अलावा जो मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स के अंदर में फूड ग्रेन्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में उसका प्रावधान किया गया है। अब इस स्कीम के अंदर होता क्या है
इसमें क्या होता है कि एनएफएसए में जो भी बेनिफिशियरीज हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसमें बेसिकली 5 kg पर मेंबर पर मंथ का फूड ग्रेन दिया जाएगा, और इसका जो भी कॉस्ट रखा गया है सब्सिडाइज रेट में, ₹3 पर kg ऑफ राइस, ₹2 किलो गेहूं और ₹1 किलो अलग कोर्स ग्रेन जो होता है वो दिया जाएगा। अब इसमें आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर मान लो फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो इस फैमिली में 25 kg ऑफ फूड ग्रेन हर मंथ इस स्कीम के अंदर में दिया जाएगा। अब इस 25 kg में आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो 10 किलो चावल ले लेते हो, 10 किलो गेहूं ले लेते हो और 5 किलो कोर्स ग्रेन ले लेते हो, या फिर 25 किलो चावल ले लेते हो, 25 किलो गेहूं, मतलब कुछ भी करके आपको 25 kg मिलेगा, क्योंकि 5 पर्सन हैं तो 5 kg पर पर्सन के हिसाब से 25 kg ऑफ फूड ग्रेन आपको सब्सिडाइज प्राइस में मिलेगा। यहाँ पर एक और स्कीम है जो इससे मिलता जुलता है, वो है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इस स्कीम के अंदर में, अभी इस स्कीम को भी हम अलग से पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि जो भी अंत्योदय अन्न योजना है, ऐसे इंसान जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में कवर नहीं किए गए हैं और जो कि पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रेम करते हैं, उनको गवर्नमेंट सेम रेट पे 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ का फूड ग्रेन सप्लाई करती है। यहां पर 5 kg पर पर्सन नहीं है, बल्कि 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ है अंत्योदय अन्न योजना में। तो ये दोनों में डिस्टिंक्शन आप हमेशा बनाए रखना। इसके अंदर में एक और प्रावधान है एज अप्रोप्रिएटेड मील का। एज अप्रोप्रिएटेड मील का क्या मतलब है कि हम जो भी 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल आंगनवाड़ी के द्वारा फूड ग्रेन सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको हम मिड डे मील स्कीम के अंदर में एक फ्री मील देना चाहते हैं दोपहर वाला, तो वो भी इस स्कीम के अंदर में कवर होता है। इनके अलावा जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं इनके लिए भी एक प्रॉपर इंटाइटलमेंट है, जिसमें उनको ₹6,000 तक की मैटरनिटी बेनिफिट दी गई थी, उसी में उनको फ्री मील की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी लोकल आंगनवाड़ी के द्वारा। इसके अलावा ये स्कीम्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी इसी से मिलते जुलते कुछ बेनिफिट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में नहीं आएंगे। जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इसके अलावा जो भी फूड सिक्योरिटी अलाउंसेज भी दिए जाएंगे, मतलब कि हम अभी तक तो सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स देने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोग जहां पर इंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स या मील्स नहीं पहुंच सकता, ऐसे इंटाइटल्ड पर्सन को हम फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस भी देंगे, मतलब हम कुछ रुपए भी इनको दे देंगे जिसके बेसिस पर ये अपने लेवल पर ये फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। तो ये पूरा स्कीम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। अगला स्कीम है हमारा जागो ग्राहक जागो। ये एक प्रकार का अवेयरनेस कैंपेन है। इसमें हम मल्टीमीडिया का यूज करके अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पार्टनरशिप में हम कंज्यूमर राइट्स को प्रोवोक करते हैं, उनको बताते हैं कि उनके अधिकार कौन कौन से हैं, उनके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनको अपने हिसाब से कवर करना है। तो ये एक डाइवर्स सब्जेक्ट है जहां पे हर मिनिस्ट्रीज हर डिपार्टमेंट से हम लोगों को लेते हैं। इस स्कीम के अंदर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली जो भी कंज्यूमर से ग्रीवांसेज होते हैं उनको स्पीडी तरीके से रिजॉल्व करने का काम करता है। और इसके अलावा इस एक्ट के अंदर में यूएन चार्टर के अंदर में जो भी 8 अधिकार दिए गए हैं कंज्यूमर को, उनमें से 6 राइट्स इसके अंदर एन्यूमरेट रिकॉग्नाइज कर दिए गए हैं। वो 6 राइट कौन से हैं एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, यूपीएससी इन पर भी क्वेश्चन बना सकता है, जैसे कि राइट टू प्रोटेक्शन, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ रिड्रेसल एंड राइट ऑफ एजुकेशन। ऐसे 6 कंज्यूमर राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आते हैं। इनके अलावा हमारा तीसरा स्कीम है प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड स्कीम। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड स्कीम के अंदर में आप इस हिसाब से समझ सकते हो इसमें कि जो भी हमारे पूरे कंट्री में कुछ वॉलेटाइल एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज होते हैं, जैसे कि ऑनियंस हैं, पोटेटोज हैं, पल्सेस हैं, जिनका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता रहता है, तो इनके प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए ये स्कीम प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड स्कीम निकाली गई है। इसको 2014-15 में एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड भी बनाया गया था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में होता था, लेकिन बाद में इसको 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब कि अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में ये स्कीम चल रही है। अब इस स्कीम में क्या होता है कि हमें एक फंड भी बना दिया है और हमें रेगुलेट भी करना है उनके प्राइसेस को, तो उन प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए या फिर जो भी मंडीज में हम देखते हैं कि एक होर्डिंग बन जाती है लोगों की, उसमें दाम बढ़ा देते हैं या फिर स्पेकुलेट करते हैं कुछ गलत तरीके से और वहां पर भी दाम बढ़ जाता है, तो इन सभी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना है
और इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ स्टॉक्स मेंटेन करेंगे। ये स्टॉक्स बेसिकली हम फार्म गेट या मंडी से या फिर फार्मर से डायरेक्ट परचेज कर लेंगे और इस स्कीम के अंदर में हम एक बड़ा स्टॉक क्रिएट कर लेंगे पहले से ही, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी इन वोलेटाइल कमोडिटीज़ के शॉर्टेजेस होते हैं तो हम ये स्टॉक को वापस से मार्केट में देके हम प्राइस को स्टेबलाइज कर पाएं। अगर प्राइस को स्टेबलाइज करना है तो केवल और केवल फार्मर या फिर होलसेल मंडी से ही खरीद के नहीं, बल्कि हम जो भी अभी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में जितने भी पैसे आए थे उस फंड का भी यूज़ करके हम प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा गया कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिल्क को भी बोला कि भाई आप इनको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम के अंदर में ले लो, लेकिन अभी तक इसका कंफर्मेशन मिल नहीं पाया है। तो कभी भी अगर ऐसा आता है कि क्या प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम में मिल्क का भी प्रावधान है क्या, तो आप इसको गलत कर देना। हमारा आज का आखिरी स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना एक प्रकार का टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंश्योर करने की बात करता है। हमने अंत्योदय अन्न योजना को अभी हाल फिलहाल में अभी फिर से शुरुआत में भी पढ़ा था। तो यहां पर क्या होता है, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर हम लोग पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इसके अंदर आप हमेशा ये वाला पिक्चर याद करना, जब भी अंत्योदय अन्न योजना आएगा ये पुअरेस्ट ऑफ द पर्सन को जो भी उनकी ज़रूरतें हैं फूड ग्रेन से रिलेटेड उनको सप्लाई करने का काम करता है। इस स्कीम के अंदर में हम 35 kg पर हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं, 3 rupees kg पर राइस के लिए, 2 rupees per kg वीट के लिए और कोर्स ग्रेन को 1 rupees per kg में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में लोग बेनिफिशरीज हैं, जिनको हम 5 kg पर मेंबर का वो प्रावधान करते हैं, वो जब नहीं आएंगे तब हम उनको अंत्योदय अन्न योजना में उनको इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा जो भी इसकी सब्सिडीज होती है वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और दूसरा एक बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है इन फूड ग्रेन्स का, उसको स्टेट या यूटीज बियर करते हैं। तो इस स्कीम के अंदर लगभग लगभग आज के टाइम पे 2.5 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं जो कि 35 kg पर फैमिली पर मंथ का फूड ग्रेन लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी ही स्कीम्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट स्कीम्स को देखेंगे। आशा करता हूँ कि आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा और इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो हम अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में रिवीजन के तौर पर ले लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।